खबरींदे तो सिंध पुलिस में अखियन के नूर का महरूम एसपी की मुकररी वो मामलो सिंध हाईकोर्ट में एसपी टेलीकम्युनिकेशन मोहम्मद अली की मुकररी खिलाफ़ दरख्वास्त बुधनी थी है। अदालत सिंध पुलिस सिंध हुकूमत एन धुर वजाहत तलब कर वरती। अखियन के नूर का महरूम एसपी टेलीकम्युनिकेशन की मुकररी से अदालत पारा हैरानगी जो इजहार किया वो है। असिस्टेंट एडवोकेट जनरल जो चवण है तो लाहौर में एक नाबीन जज मुकरर किया वो हो जैसे त अदालत तरफा ये रिमार्क्स ना वह माजूर कोटा से भर्ती मुलाजमत की नौयत से मशरूत होंगी है। सिंध पुलिस में नाबीन मानुन लाए एक सैकड़ो कोटा मौजूद है। असिस्टेंट एडवोकेट जनरल अदालत के आगाही दिनी इन मामले का तफसील मालूम क्यों था टाइम न्यूज रिपोर्टर अयाज बरोही का। अयाज आगाह कजो में अखियन के नूर का महरूम एसपी टेलीकम्युनिकेशन मोहम्मद अली की मुकररी खिलाफ दरख्वास्त अज सिंध हाईकोर्ट सिंध पुलिस सिंध सरकार एन का जो है वजाहत तलब कर वरती है। बुधनी दौरान अदालत जो है सो अखियन का महरूम एसपी टेलीकम्युनिकेशन मुकररी से हैरान जो इजहार किया है। अदालत है तो बुधा वे तो पुलिस के आला उहदे से कें अखियन के महरूम ऑफिसर के जो है वो मुकरर कर सकते तो अदालत जो है असिस्टेंट एडवोकेट जनरल का पुछाणो कने चो तो बुधा तो किए कें अखियन के महरूम ऑफिसर के जो है उहदे से मुकरर कर छो है। अड़ी का मिसाल पैर सिंध पुलिस में मौजूद है। अदालत जैसे जो असिस्टेंट एडवोकेट जनरल चो तो लाहौर में एक अखियन का महरूम जज मुकरर थल है जैसे अदालत चो मेहरबानी तफसील लेने के लिए आसप्रोई मौलाना फज़ल।